हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लव, हैंडबॉल गोलकीपर। मैंने बहुत सारे मैच खेले, बहुत सारे मैच में अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए और बहुत सारे मैच में थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ। लेकिन जब मैच खेलना छोड़ा, घर में बैठा तो थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हम कुछ गलतियां करते थे। तो क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि भविष्य में आने वाला गोलकीपर को वो गलतियाँ ना करना पड़े और वो एक अच्छे गोलकीपर बन सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को हर एक गोलकीपर तक शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। तो शुरू करते हैं। पहला टिप्स है आपका किट। जो आपका किट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं गोलकीपर, नए किट के चक्कर में पुराने किट को छोड़ देते हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वो ठीक तरह से गोलकीपिंग भी नहीं कर पाते हैं और उनका मन भी शांत नहीं बैठता है। मैंने भी ये गलती की है, नया किट के चक्कर में पुराना किट को छोड़ दिया था, लेकिन ये गलती को मैंने बाद में सुधार लिया। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे गोलकीपर ये गलतियाँ करते हैं, तो मुझे बताना ज़रूरी लगा। दूसरा चीज़ है, मैच से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करना है आपको, कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन। उसमें आपको करना क्या है, बस बैठ जाना है, आंख बंद कर लेना है और बस सोचना है कि कौन से पोजीशन से शॉट आ रहा है और उसको हम कैसे सेव करेंगे। हर एक पोजीशन से 2-2 शॉट लीजिए और उसको सेव करिए, वो भी मन में। इसके बाद जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको बॉल साफ साफ दिखाई देगा और जो भी प्लेयर जैसे 45 विंग सेंटर से गोल मारेगा तो आपको आसानी से दिखाई देगा और आप सेव कर सकते हो। तीसरा टिप जो ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग। आप मैच से कम आधे घंटे का स्ट्रेचिंग ज़रूर करें ताकि आपका पसीना छूट सके, क्योंकि जब आप पेनाल्टी सेव करते हो या कोई लंबा बॉल कॉर्नर वाले सेव करते हो तो आपको पूरा स्ट्रेचिंग खोलना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स खिंचाने का डर रहता है, तो इसलिए आप स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। और चौथा टिप्स जो है वो है, जब आप ग्राउंड पे जाएं तो आपके जो टीममेट हैं उनको बोलो कि हर एक जगह से शॉट मारे और आप उसको सेव करने की कोशिश करो। जब आप हर एक पोजीशन से 2-2 शॉट सेव करोगे तो आपको मैच में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप प्लेयर से बोलो कि बॉल गोल नहीं जाना चाहिए, आपके बॉडी पे लगना चाहिए, बॉडी के आसपास आना चाहिए और आपसे सेव होना चाहिए। जैसे आप चार्जिंग करो, वहाँ से स्ट्रेचिंग करके रोको, जिस तरह से हो आप उस बॉल को रोको। और पांचवा जो आखिरी टिप्स है वो है, जो हर एक गोलकीपर को करना चाहिए, आपको पीछे से बोल कर खिलाना है। जैसे आप पीछे से मैच को देखते हो तो पूरा मैच देखते हो, बाकी सब प्लेयर का नज़र सिर्फ बॉल पे होता है, तो आप जब पूरा मैच देखते हो तो आप ध्यान से देखते हो और आपको हर एक प्लेयर को बोलना है कि आप वहाँ का पोजीशन खाली है, यहाँ का पोजीशन खाली है। आप जितना अच्छा बोलोगे उतना आपका टीम अच्छे तरह से शॉट मारेगी और गोल मारेगी। अगर आप मैच में 30 से 50% गोल सेव कर लेते हो तो 100% आपका टीम मैच जीतेगा। तो ये थे हमारे कुछ 5 टिप्स। अगर अच्छा लगा तो फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।